गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हनोई। आज हम जाने वाले हैं हालोंग पे। हालोंग पे एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कि अबाउट 3 आवर्स लगेंगे हमें वहाँ पहुँचने में। हमारा टूर गाइड लगभग 8 बजे जैसा आने वाला है। अभी बज रहे हैं 6:30, सो वी स्टिल हैव अबाउट अ लिटिल मोर देन 1 आवर टू गो। तो आज हम आपको हालोंग पे दिखाने वाले हैं। हमने डे टूर बुक किया, सो बिफोर कमिंग हियर वी वर कॉन्टम्पलेटिंग अ लॉट कि हम पूरा टू डे वन नाइट का टूर करें हालोंग पे का, जिसमें हम क्रूज पे ही रुक जाएं रात में, या फिर हम दिन भर का ही टूर करें। फिर फाइनली वी केम ऑन टू द कंक्लूजन कि हमको डे टूर ही करना चाहिए, उससे हमारे, क्योंकि हम बस कल तक ही हैं यहाँ पर। अगर हम ओवरनाइट टूर करते तो कल हम वापस लौटते अराउंड 3 बजे दिन के, तो फिर हमारे पास कोई टाइम नहीं बच जाता टू सी हानोई, और हम हानोई एक दिन देखना चाहते थे। तो इसलिए हमने डे टूर किया जो कि सुबह 8 बजे जैसी चालू होगी, और उन्होंने लिखा तो ये है कि शाम में 8-8:30 बजे तक वापस होटल ड्रॉप करेंगे। अभी देखते हैं कि इन रियलिटी कितना टाइम लगता है। बट ओवरऑल आपको ये कहना चाह रही थी कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे ऑन क्लूक एज वेल एज ऑन गेट योर गाइड, बट जो मैंने टूर बुक किया है वो है govntour.com से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मुझे इनकी सर्विस बहुत अच्छी लगी है। द लेडी हु वाज असिस्टिंग अस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, लीजा, शी हैज़ बीन रियली प्रॉम्प्ट, वेरी प्रोएक्टिव। एक बारी मैं मैसेज करती हूँ, तुरंत विदिन 30 सेकेंड्स रिस्पॉन्स आता है। सो एक्सट्रीमली इम्प्रेस्ड विद देयर सर्विस, एंड मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप भी इस टूर एजेंसी के थ्रू एक्सपीरियंस करें अपने ट्रैवल्स। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो थोड़ी देर में सबको उठाया जाएगा, बच्चों को, और फिर हम तैयार होकर के निकलेंगे हालोंग बे के लिए। से हमको बोर्ड करना है। आज संडे है शायद, इसलिए काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे बहुत कुछ है शॉपिंग करने के लिए, बीच टॉयज़ भी हैं और बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, अतरंगे से टॉयज़। विहान शर्मा ऑलरेडी खरीद चुके हैं अपने। हाँ, कोई बहुत महंगा नहीं है, 100 लिया, मतलब कितना हुआ, 1 लाख, 1 लाख मतलब 350 रुपये लगभग। इतनी भीड़ है यहाँ पर, माय गॉड। अभी शायद हम अपने क्रूज में जाने वाले हैं। हमारी बोट,
जिससे हम आज वन ऑफ द सेवन नेचुरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है अलोंग वे वो देखने जा रहे हैं। ये जैसा हमने इंटरलाकेन में क्रूज किया था लगभग वैसा ही है। तो ये वेलकम ड्रिंक है हमारा टी। बिहान यू वांट टू हैव सम टी? यू वांट टू हैव? ओके हैव। नो तो क्रूज हमारी चल चुकी है। बाहर बहुत धूप है लेकिन ये जो रेस्टोरेंट है उसके अंदर अच्छी अच्छा एयर कंडीशनिंग है तो हमें इतनी गर्मी नहीं लग रही है। और अभी हमें लंच करना है और लंच के बाद गाइड विल स्टार्ट शोइंग अस। टोटल कोई 150 स्टेप्स हैं जिसके बाद हम केव में एंटर करेंगे।
अभी एंटर द केव, 150 चढ़ चुके हैं हम, क्या शायद चढ़ चुके हैं हम। ये सब छू के देखो। ओह वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। या ऊपर से हालोंग पे शायद हमारे 150 स्टेप्स हो गए हैं। अब केव में जा रहे हैं हम अंदर। ऊपर से आपको दिखाती हूँ कितनी भीड़ है। ये पहला सरप्राइज है सरप्राइज केव का, विच इज फ्रेश वाटर जो कि ये केव के अंदर आता है। बिहान और पुलक तो आगे कहीं चले गए हैं। बट सिर्फ अंदर घुसने के लिए बहुत ज़्यादा ये था, कुछ लोग हड़बड़ी भी मचा रहे थे। बट अभी यहाँ पे क्लीन हो गया है। बिहान इज वेटिंग देयर। आदमी के फेस के जैसा है, मुझे तो बिल्कुल ही चे गुवेरा जैसा लग रहा था देखकर। शिलोंग में जो केव में हम लोग गए थे वो इससे कहीं ज्यादा कंजेस्टेड था। ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है। यहाँ पर स्टैलेगमाइट का फॉर्मेशन अभी चालू हुआ है। 1 मिलियन साल के बाद ये लंबा रॉक बन गया तरह का। मिस जेकब थी हमारी ज्योग्राफी टीचर, बहुत ही अच्छी, अभी तो प्रिंसिपल है वो हमारे स्कूल की। बहुत याद आ रही है उनकी। ये केव उनको ही डेडिकेट कर रही हूँ मैं। जो शुरू के 150 स्टेप्स थे सिर्फ वही थोड़ी डिफिकल्ट थे, उसके बाद तो ये बहुत ही अच्छा है। काफ़ी ठंड, मतलब अदर वे इट्स कूल इनसाइड एंड ये विजुअल्स तो बहुत ही अच्छे हैं। ये टॉर्टोइस के शेप का है, अलग अलग रॉक फॉर्मेशन है आपके। हाँ, मेरे पति को बहुत चिंता है मैं ठीक से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि नहीं। जितना हो पा रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखा पाऊँ। वहाँ पर हेड ऑफ ड्रैगन है। अभी वीडियो पर पता
नहीं कैमरे में कैप्चर कर रहे कि नहीं है, बट पूरा ग्लिटर कर रहा है लाइट शो करने पर। ओके मंकी बिहान। सरप्राइज केप के सरप्राइजेस हमने फाइनली सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं, सही सलामत तीनों ऊपर आ गए। अभी नेक्स्ट स्टॉप पे देखते हैं क्या देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टॉप इज कायाकिंग या फिर बैम्बू बोट राइड। खड़ी है नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। अब ये जो है लुआन केव, उसके अंदर हम लोगों को बोट से जाना है। दो ऑप्शन है, या तो हम बैम्बू बोट से जाएं या फिर हम कायाक लेकर के जाएं। तो पुलक कायाक से जा रहा है और हम लोग जा रहे हैं, मतलब हम लोग मतलब बिहान और मैं बैम्बू बोट से। इस केव के नीचे हम जा रहे हैं। मच्छी कहाँ दिख रही है तुम्हें? हाँ ओके। लुक एट द केव बेटा, ऊपर देखो बैट्स हैं, उड़ रहे हैं, देखा? उस तरफ गया, हाँ रिटर्न कर रहे हो लोग शायद, नहीं उधर उधर वहाँ पे। हाय टकराए नहीं तुम लोग कहीं? इतने बुरा खाई नहीं। नहीं क्यों सोएंगे? अरे डर बाबा। ये है थर्ड डेस्टिनेशन, ये बीच है जिसका बिहान को बेस सबने से इंतजार था यहाँ पे खेलने का। और इसके बाद वापस हम लौटते वक्त एक छोटी सी पार्टी होगी ऐसा हमें बताया गया, और फिर हम वापस हनोई लौट जाएंगे। अगेन 3 hours का बस। टिकट
स्टाफ है, इतने लोग हैं भी। और बिहान का तो जब से हम वियतनाम आए तब से उसे बीच पे जाना था, तो वो ख्वाहिश अभी उसकी पूरी हुई है। यहाँ पे हमें कोई 45-50 मिनट्स का टाइम मिला है, उसके बाद से वी विल रिटर्न बैक टू अवर बोर्ड। अभी शाम की पार्टी चालू हो गई है, इधर फ्रूट्स हैं। Dạ vâng, kính chào cô chú, anh chị, các bác nhà mình bây giờ sẽ có buổi tiệc trà chiều nhé. Thì mình đứng dậy, mình lấy đồ uống giúp con nhé. Mình sẽ lấy trà hoặc là rượu nhé. Mình chỉ có trà hoặc rượu là miễn phí cho mọi người nhé. Còn cái đồ uống bia hoặc là cái nước ngọt ấy thì cái đấy là không bao gồm nhé. Some French wine. Mình sẽ lấy đồ uống và mình giữ đồ trên tay. Everybody keep the drink on the hand, yeah? You remember how to search here? Okay, so now everyone follow me, yeah? Okay, here we say Mod! Mod! Hey! Hey! Ba! Ba! Yeah! Hey! Music, please! Everyone, we come get the first, here is free play one. Yeah, everyone come here, take the first here. Thank you so much. We have some snacks, some cookie, free play one. Thank you.